Welcome friends, the UPSC has come out with notification of Labour Enforcement Officer. It is under Ministry of Labour and Employment. The last date to apply is what? 29th of September 2022. 29 सितंबर 2022 last date है apply करने की on the website of UPSC. अभी हम लोग क्या करेंगे? So what we'll discuss? सबसे पहले कि इस वाले एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, द थर्ड थिंग एक्सपेक्टेड सिलेबस इस वाले एग्जाम का क्या है, फोर्थ लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का पेपर इससे पहले कब हुआ था, 2017 में हुआ था, सो उसमें भी हमने बच्चों को सपोर्ट किया था, सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 2017 वाले पेपर से हम क्या क्या सीख सकते हैं. एंड फाइनली आई टेल यू वट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पेरिटस फॉर दिस एग्जाम. तो गाइस शुरू करते हैं. सो बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस हु वी आर. आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस एंड एट ह्यूमन पेरिटस वी स्पेशलाइज इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स सब्जेक्ट. सो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 10 ईयर्स नाउ. सो हम लोग क्या करते हैं, सो बिकॉज ऑफ अवर एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट, HR, लेबर लॉज, कॉमर्स एंड दीज सब्जेक्ट्स, सो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग वी डू कपल ऑफ एग्जाम्स. हम कौन कौन से एग्जाम करते हैं, जैसे UGC नेट, HRM, then HR and marketing officer in different banks and PSUs, उसके बाद UPSC management optional. उसके अलावा हम कुछ UPSC के recruitment exam भी करते हैं, जैसे कि UPSC assistant labor commissioner. In fact पिछली बार UPSC ALC का exam and labor enforcement officer के साथ ही हुआ था, एक ही paper था जो 2017 में हुआ था, 25 नवंबर 2017 को जो paper हुआ था. उसके अलावा हम UPSC, EPFO, ESICDD, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सो UPSC के जितने रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं उनमें भी हमारा स्पेशलाइजेशन है. अब अगर ALC की बात चली है तो आई विल सजेस्ट यू समथिंग कि आप लोग एक बार हमारा वेबसाइट पे जरूर जाइए और गो ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस. उसमें आप अगर ALC के पेज पे जाएंगे तो वहां एक इंटरव्यू है साक्षी चुग का. So she got selected in 2017. Very good interview. So basically, जो exam labor enforcement officer के लोगों ने 2017 में दिया था, वही साक्षी चुग ने दिया था. And just try to understand कि इन्होंने कैसे तैयारी किया और कैसे he did everything, कैसे सब चीजें उन्होंने prepare किया. A very good interview साक्षी चुग. उसके अलावा संजीत कुमार का interview भी है, वो भी आप जरूर देखना. So these two guys have shared वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि कैसे इन लोगों ने 2017 में ये वाला एग्जाम निकाला है. बाय द वे 2017 एग्जाम में 35 पीपल गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और उन 35 में से एवरी फिफ्थ गाय वाज फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस. तो उन सब के नाम भी वेबसाइट पे दिए हैं, एक बार आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हो. दो नाम तो मैंने आपको बता ही दिए, साक्षी चुग एंड संजीत कुमार. ठीक है गाइस, सो दैट वाज अवर शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन. अब आगे बढ़ते हैं अपने इस वाले एग्जाम पे, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर सेंट्रल. सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की. सो गाइस, द अपर एज लिमिट फॉर दिस एग्जाम इज 30 इयर्स. अब काफी सारे लोग पूछेंगे 30 इयर्स कब. सो गाइस, 30 इयर्स होने चाहिए 29 सितंबर 2022 से पहले. अगर किसी की एज 29 सितंबर 2022 को 30 या 30 से ऊपर हो चुकी है, वो एलिजिबल नहीं है. बाकी सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है. प्रोवाइडेड कुछ लोगों को यूपीएससी के हर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम में कुछ एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप किसी कैटेगरी से हैं, OB, SC, ST. सो कई बार फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को भी कुछ रिलैक्सेशन होता है, एक्स सर्विसमैन को भी होता है. अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से हैं, एक बार नोटिफिकेशन जाके अच्छे से पढ़ लीजिए. आप लोगों को कुछ 3 साल 5 साल 8 साल कुछ रिलैक्सेशन एज की है 30 साल से. बाकी सब लोग द अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स. कब? 29 सितंबर 2022 को. आप इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. एलिजिबिलिटी की अगली चीज पे आते हैं, विच इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, विच इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो गाइस, जो अपनी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके दो पार्ट है, ठीक है.
उसके दो पार्ट है, वन इज डिग्री एंड सेकंड पार्ट इज योर, सेकंड पार्ट इज योर डिप्लोमा। सबसे पहली बात, हमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिग्री काफी है या सिर्फ डिप्लोमा काफी, ये बात याद रखना, ठीक है। सो गाइस, यूपीएससी का एएलसी को लेके खासकर और बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए थोड़ा इसको आराम से शांति से हम तुम्हें समझा देते हैं। आपकी डिग्री कौन सी एलिजिबल है? सो गाइस, डिग्री कोई भी एलिजिबल है। अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, जो भी एमबीबीएस किया है, जो भी आपने किया है, प्रोवाइडेड आपकी डिग्री में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। वो सब्जेक्ट क्या है आपका? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क, ठीक है। गाइस, आई वेंट टू एक्सट्रीम ऑफ सेइंग कि एमबीबीएस भी कोई भी है। सो गाइस, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डिग्री का नाम चाहे कुछ भी है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि तुम्हारी डिग्री में एक सब्जेक्ट इनमें से कोई होना चाहिए। अब वो एक कोई भी हो सकता है, हो सकता है किसी ने बीटेक किया है पर बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में उसके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो साफ साफ लिखा है डिग्री कोई भी है लेकिन उस डिग्री में इन चार में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। डिग्री का नाम चाहे कुछ भी है, बीटेक, बीबीए, बीए, बीकॉम, चाहे कुछ भी है। सो गाइस, ये पहली चीज है जो आपके पास होनी ही चाहिए। फिर इसके अलावा आपको एक और चीज चाहिए, विच इज वन ईयर डिप्लोमा। वन ईयर डिप्लोमा, और वन ईयर डिप्लोमा के फील्ड बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड है। वो कौन कौन से हैं? अगर आपने कॉमर्स में किया है, अगर आपने लॉ में किया है, अगर आपने लेबर रिलेशंस में किया है, आपने लेबर वेलफेयर में किया है, आपने लेबर लॉज में किया है, आपने आईआर में किया है, आपने सोशियोलॉजी में किया है, आपने सोशल वर्क में किया है, आपने सोशल वेलफेयर में किया है। दो एसडब्ल्यू है, एक एसडब्ल्यू है सोशल वर्क, एक एसडब्ल्यू है सोशल वेलफेयर, या फिर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, ठीक है, या आपने पर्सनल मैनेजमेंट में किया, पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। इनमें से किसी में भी वन ईयर डिप्लोमा भी आपको चाहिए, ठीक है, किसी में भी इन सारे कीवर्ड्स में। अब गाइस, कई बार होता क्या है कि जैसे मैंने डिप्लोमा किया है पर मैंने एचआर में किया है, ठीक है, मैंने अब एचआर तो वर्ड नहीं लिखा है कहीं भी, लेकिन क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट लिखा है तो एचआर वाले भी एलिजिबल होते हैं। सो गाइस, अगेन बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट, यूपीएससी एएलसी की क्वालिफिकेशन में भी ऐसे बड़ा सारा कंफ्यूजन होता है जिसको हमने काफी सॉर्ट आउट किया था। इनफैक्ट एक डेडिकेटेड वीडियो है यूपीएससी एएलसी की एलिजिबिलिटी को लेकर, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। एनीवे, तो इनमें से आपने किसी में भी आज आपका वन ईयर डिप्लोमा, डिप्लोमा कौन सा है ये, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होता है, ठीक है, इनमें से किसी में भी अगर वन ईयर डिप्लोमा आपने किया है किसी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं। अब सवाल आता है, व्हाट इफ मैंने डिग्री किया, व्हाट इफ मैंने एमकॉम किया, मैंने मास्टर इन कॉमर्स किया है, या फिर मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए किया है, या मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, सारे मास्टर्स वाले लोग भी एलिजिबल हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है, सॉरी, अगर यूपीएससी ने पूछा कि एक साल का डिप्लोमा इसके लिए चाहिए, इसका मतलब अगर उसकी उससे एक बड़ी डिग्री है जो कि है मास्टर्स, तो वो सारे लोग भी एलिजिबल हैं। वी आर प्रेटी कॉन्फिडेंट। सी गाइस, अगेन काफी सारे ग्रे एरियाज भी हैं, लेकिन हम इस वीडियो में जो भी आपको बता रहे हैं विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ लर्निंग विच वी डिड इन 2017, और जो एएलसी का नोटिफिकेशन निकला था 2021 में भी हमने काफी इस बारे में रिसर्च किया था, उसके बेस पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम आपको जो जो बातें बता रहे हैं। इसके बाद भी बड़े लोगों को डाउट होंगे कि ऐसे बड़ी सारी ऐसी बड़ी ऐसी डिग्रीज हैं, जैसे कि कोई बोलेगा कि मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं था मेरे में, लेकिन मेरे में सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। अब नाउ दैट बिकम्स अ ग्रे एरिया, ठीक है, तो उसको केस बाय केस ही देखना होगा कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एनीवे, तो लेकिन अब जो सामने तुम्हारा लिखा है बिल्कुल क्लियर है कि इनमें से किसी में वन ईयर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तुम्हारे पास, That is mind it. Okay.
तुम्हारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में नहीं बोल रहा हूं, फॉर द सेकेंड पार्ट विच इज इन ग्रीन, जब मैंने कहा कि अगर किसी के पास डिग्री है तो वो भी चलेगी, आई मेंट 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर कोई बोलता है मैंने बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो क्या मैं 1 ईयर डिप्लोमा में मेरा एलिजिबिलिटी बनेगा? नहीं बनेगा। राइट, ग्रेजुएशन की बात यहां हो चुकी है, ये ग्रेजुएशन की डिग्री की बात यहां हो चुकी है, दिस इज अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, आई थिंक दिस इज एम्पली क्लियर, काफी अच्छे से हमने समझा दिया। अच्छा, एक और सवाल है, बात काफी लोग पूछेंगे कि मेरे मैं तो एलिजिबल हूं, मैं फाइनल ईयर में हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो उसका मतलब क्या होगा अगर आप फाइनल ईयर में हो? अगेन, ये जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे ग्रेजुएशन है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए कब तक? अगेन 29 सितंबर 2022 तक। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका अभी पेपर होने वाले हैं अक्टूबर में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। 29th of September 2022 तक तुम्हारे पास ये सब होना चाहिए, डन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी मैं ऑन गोइंग है या वो सब चीजें। सो गाइस, दिस इज अबाउट एसएमसीएल क्वालिफिकेशन, आई थिंक दिस एक्सप्लेन इट वेल। फिर भी काफी लोगों को डाउट होगा, नीचे यूट्यूब पे कमेंट में लिख दीजिएगा। अगेन, हम भी सब नहीं बता पाएंगे, बट बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग वी विल टेल यू व्हाट एवर बेस्ट वी नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, वो है कि 1 साल का वर्क एक्स होना चाहिए, या तो लेबर वेलफेयर में, या लेबर रिलेशंस में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर लेबर लॉज में। तो इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि ये डिजायरेबल है। ठीक है, जिसके पास है तो गुड, उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बट ठीक है, जिसके पास है वेरी गुड, अदरवाइज नहीं भी है तो डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि डिजायरेबल नहीं है तो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, इसका गाइस काफी कम वेटेज होता है, वो भी इंटरव्यू के दौरान, अदरवाइज इट्स ओके, ज्यादा इसकी चिंता करने का नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सो गाइस, बाकी यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की तरह तुम्हारे पेपर में आएंगे 120 सवाल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, 120 होंगे। मार्क्स कितने होंगे? हर एक सवाल 2.5 नंबर का होगा, तो तुम्हारे 300 मार्क्स का रिटर्न होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर में। ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू का वेटेज 75% वेटेज होगा रिटर्न का, 25% वेटेज होगा तुम्हारा इंटरव्यू का। इसका मतलब 300 नंबर रिटर्न के हैं तो 100 नंबर होंगे तुम्हारे इंटरव्यू के। अब गाइज, तुम्हें ना कई सारे इस बारे में डाउट होंगे अभी, जैसे कट ऑफ, एग्जाम डेट, हाउ टू प्रिपेयर, वेटेज ऑफ टॉपिक, सिलेबस, इन सभी चीजों के लिए हम सेपरेट एक एक करके इंडिविजुअल वीडियोस डालेंगे, सो विच विल कम इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। अभी तो मोटा मोटा तुम्हें बात बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कट ऑफ की बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो जो पेपर 2017 में हुआ था, ठीक है, उसका कट ऑफ तुम्हारे सामने है, उसका कट ऑफ तुम्हारे सामने है। ठीक है, 2017 में जो हुआ था, तो 2017 में गाइस हुआ क्या था आपको बता देता हूं एक बार। तुम्हारा फॉर्म निकला था मार्च 2017 में और पेपर हुआ था नवंबर 2017 में। इससे थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो कि फॉर्म निकलने और एग्जाम होने के बीच में क्या क्या गैप है। ठीक है, बट अभी कट ऑफ की बात, सो 2017 में क्या हुआ था गाइस, 2255 लोगों ने ये एग्जाम लिखा था, 2255 लोगों ने एग्जाम लिखा था 2017 में, लेकिन अब की बार ज्यादा लोग लिखेंगे, 100% लिखेंगे हम लोग, क्योंकि काफी सालों से देख रहे हैं द अवेयरनेस अबाउट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैज इंक्रीज्ड ओवर लास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, सो गाइस, व्हाट डज दैट मीन कि तुम्हारा जो कंपटीशन है वो कई गुना इससे ज्यादा 100% होगा। पहले लोगों को यूपीएससी की आरटी एग्जाम का जानकारी कम थी, कम लोग फॉर्म भरते थे, पर अब ऐसा नहीं है। सो पिछली बार 33 पोस्ट थी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर सेंट्रल की, और
2000 लोगों ने फॉर्म भरा था। अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा एस्टिमेट दे देता हूँ, ईपीएफओ 2017 में हुआ था, ईपीएफओ 2021 में हुआ। जो ईपीएफओ 2017 में हुआ उसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जो ईपीएफओ 2021 में हुआ उसमें अप्रोक्सीमेटली 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब मैं कह रहा हूं कि इस बात पे खुश मत हो जाना कि सिर्फ 2000 लोगों ने फॉर्म दिया था तो कंपटीशन इज लेस, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ भी है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रिटर्न कट ऑफ 160, फाइनल सिलेक्शन के लिए 237, हाईएस्ट मार्क्स अनरिजर्व में 267 आए थे उस वाले एग्जाम में। ओबीसी एससी एसटी वाले अपना देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, इंटरव्यू रिटर्न का वेट है 75-25 था। सो गाइस ये समरी है जो पेपर हुआ था 2017 में, ठीक है। अगेन 2017 में पेपर जो हुआ था तो लास्ट डेट फॉर्म भरने की थी 25 मार्च 2017 को, और पेपर हुआ था फाइनली जाके 25 नवंबर 2017 को, ठीक है। एक दो बातें और भी बता देता हूं जो कि अभी आएंगी। अभी सोशल मीडिया पे ये सब खबर फैलेगी कि इसका रिटर्न नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ये 100% गलत है, हमसे लिखवा लो 100% इसका रिटर्न होगा ही होगा। काफी लोग गेस करेंगे कि एग्जाम डेट 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद होगा। इसका समय, इसका टोटल कंक्लूजन क्या है कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम का एग्जाम डेट गेस कर पाना संभव नहीं है। एग्जाम 4 महीने बाद भी हो सकता है और 11 महीने बाद भी हो सकता है, पर मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट 5-6 महीने का समय तुम लोगों को मिलेगा। अगली बात, किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे इसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे, और सिलेबस की अभी बात हम लोग कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। So guys, ये सिलेबस है जो 2017 के उसमें था, लेकिन अभी इस वाले नोटिफिकेशन में अभी तक यूपीएससी ने सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए कुछ लोग ये बात बोलेंगे क्योंकि सिलेबस नहीं दिया तो रिटर्न होगा ही नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, और नोटिफिकेशन में कोई लाइन उठा के लाएंगे, हमें पता है कौन सी लाइन उठा के लाएंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, वो सब धारणा गलत साबित होगी, अल्टीमेटली यूपीएससी का रिटर्न एग्जाम होगा। अब तुम लोग पूछो कि फिर सिलेबस कहाँ है। सो गाइस, यूपीएससी के जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए यूपीएससी जो सिलेबस है वो बाद में डिस्क्लोज करता है। जैसे कि अभी, जैसे कि 2017 में क्या हुआ, 25 मार्च 2017 तो लोगों ने फॉर्म भर दिए, फिर एक अलग नोटिफिकेशन है जो कब आया, जो अक्टूबर में आया, और इस वाले नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो रिक्रूटमेंट के लिए लोगों ने मार्च में फॉर्म भर दिया उसका ये सिलेबस है, उसका एग्जाम 25 नवंबर को या 2 से 4 बजे के बीच में एग्जाम है, और 33 पोस्ट हैं, ये रिपोर्टिंग टाइम है, और इस वाले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि 300 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, ये सब है, और इस वाले में तुम्हारा सिलेबस आएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि तुम जो तुम्हें आज के दिन पता है पूरा पुराना सिलेबस उसको लेके अपना तैयारी शुरू कर दो, और ताकि एग्जाम में तुम अच्छा कर पाओ। एक तरीका ये है कि वेट करते रहे सिलेबस कब आएगा, जब सिलेबस आएगा उसके बाद एग्जाम 1 महीने बाद हो जाएगा, फिर कुछ ज्यादा समय हमें तैयारी करने का मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो ये बात हुई कि सिलेबस के बारे में। अच्छा, इसके अलावा सिलेबस के बारे में और भी तुम लोगों को काफी सारे सवाल आएंगे, जैसे कि क्या सिलेबस, अब जैसे ये वाला सिलेबस है, इस वाले सिलेबस में फैक्ट्रीज एक्ट का नाम नहीं लिखा है, तो क्या हमें फैक्ट्रीज एक्ट नहीं पढ़ना है? अगला सवाल, जैसे कि इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लिखा, तो क्या नहीं पढ़ना है? लेकिन इन दोनों एक्ट से 2017 में सवाल आए, तो पेपर भी तुम देख लेना, हमारे हमने सब सोल्व करके डाला हुआ है। जैसे कुछ लोग पूछेंगे अब 4 नए लेबर कोड आ गए हैं, तो 4 नए लेबर कोड पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, उसका क्या करना है? या कुछ लोग पूछेंगे क्या सेक्शन नंबर भी याद करना है लेबर लॉज का? या कुछ लोग पूछेंगे कि सिर्फ एक्ट याद करना है, एक्ट के नीचे रूल होते हैं वो भी याद करने हैं? सो गाइस, इन सभी चीजों पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे सिलेबस एनालिसिस पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो हर 2 दिन बाद चेक करते रहिए, जब वीडियो आएगा वो देख लीजिएगा, काफी अच्छे से उसमें बताएंगे कि क्या क्या चीजें करनी, और वो सब अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा विजडम है, हम पुराने पेपर को एनालाइज करके ये सब बातें तुम लोगों को बताते हैं कि ये एक्ट पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, इसमें ये करना है, वो करना है, वो सब कुछ हम उसमें चीजें हम आपके सामने लेके आएंगे। और बड़े सारे सवाल होंगे, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी में अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, प्रमोशन पढ़ना है या प्रमोशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है नहीं पढ़ना है,
ऐसे बड़े सारे सवाल होंगे, ठीक है। सो बट वेट, इस सब का भी जो डिटेल्ड वीडियो होगा उसमें हम अच्छे से उस चीज को पब्लिश करेंगे। अब गाइस आगे आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो ऑफ कोर्स बड़ा ही आसान है कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं। सो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके एंड सो दिस इज यूपीएससी वेबसाइट, इसमें एग्जामिनेशन में इसमें रिक्रूटमेंट में जाना है और यहाँ जाके तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन ORA पे क्लिक करना और अप्लाई कर देना। इसमें यू डू नॉट नीड एनी ज्ञान फ्रॉम अस, ये तुम लोग आराम से कर ही पाओगे। अगली चीज पे आते हैं, ठीक है। सो अब आगे क्या होगा गाइज, सबसे पहले कि ह्यूमन पेटर्स का प्लान क्या है कि हम लोग तुम्हें प्रिंटेड कंसाइज बुकलेट्स, लाइव क्लासेस, क्वेश्चन बैंक, पिछले सालों के पेपर, मॉक टेस्ट, वो सब हमारे पास रेडी है। एंड ह्यूमन पेटर्स की वेबसाइट पे भी लॉन्च दिस कोर्स बाय 15th of September, एक बार हमारा वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा और भी हम 5-6 वीडियो डालेंगे कि जैसे किससे कितने सवाल आएंगे, टॉपिक्स का वेटेज क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हो क्या नहीं। तो उसके लिए अगेन YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा। काफी सब लोगों को एलिजिबिलिटी पे डाउट होगा, ठीक है, तो नीचे कमेंट में अपना लिख दीजिएगा एलिजिबिलिटी पे जो भी डाउट है YouTube पे, और जो भी बेस्ट हमें पता होगा हम तुम्हें बता पाएंगे। हम काफी लोगों को ये भी लिखेंगे हमें नहीं पता, बिकॉज दैट इज अ ग्रे एरिया, उसमें तुम्हें अपना चांस लेना होगा। कुछ लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि मैं यूपीएससी फोन करके या बात करके देख लेता हूँ, यूपीएस अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा, वो कभी नहीं बताएंगे। उनका एक स्टैंडर्ड आंसर होगा, जो नोटिफिकेशन है बस वही है। तो यूपीएससी विल नेवर क्लैरिफाई कि मेरी डिग्री ये है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। उसके अलावा अगेन मैंने तो बता दिया, कुछ लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, रिटर्न नहीं होगा, ऐसा मत सोचना, ये गलत है। अपना सिलेबस तुम्हें पता है, जो पता है उसकी पढ़ाई करो। अगेन गाइज, हो सकता है कि जब तुम्हारा एग्जाम हो यूपीएससी सिलेबस में कुछ चेंज कर दे, चेंज भी होता है कई बार, लेकिन चेंज होगा तो मोर और लेस चीजें सेम रहेंगी। जैसे तुम्हारा एग्जाम लेबर एनफोर्समेंट ऑफिस, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का है, तुम्हें लेबर लॉज पढ़ने हैं, तुम्हें HR पढ़ना ही पढ़ना है, तुम्हें IR पढ़ना ही पढ़ना है, तुम्हें जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ना ही पढ़ना है। तो चेंज हो सकता है बट नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। हो सकता है तुम्हारे में इंग्लिश एड कर दे, या फिर हो सकता है तुम्हारे में हिस्ट्री डाल दे, तो ऐसा कुछ इंक्रीमेंटल छोटा मोटा चेंज हो सकता है। बट फंडामेंटली अब लेबर एनफोर्समेंट के एग्जाम में केमिस्ट्री वो लोग नहीं पूछ सकते, राइट, ओनली दे विल स्टिक टू दीज टॉपिक्स ओनली। वंस अगेन, हमारा जो कोर्स है वो 15th of September 2022 को आप हमारा वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, तुम्हें कोर्स लॉन्च मिलेगा। अनदर थिंग गाइज, इस वीडियो के नीचे इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो देयर इज अ लिंक, अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हो दैट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप, उस पर क्लिक कर दीजिए, गेट कनेक्टेड, और कुछ भी है तो विल रिप्लाई बैक। एंड एनीथिंग एल्स ऑन योर माइंड डू शेयर, कमेंट में नीचे लिख दीजिए। एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड जॉब, स्पेशली कुछ लोग जो ALC के एग्जाम के कैंसिल होने से नाराज हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। ऑफकोर्स इसमें अप्रेजमेट 30 साल, ALC में 35 थी, लेकिन जो 30 साल से कम वाले हैं तो उनके लिए अच्छा मौका अपने हार्डवर्क को टू गेट योर सेल्फ रिवार्डेड। एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल, थैंक यू।